तो दोस्तों कल मैं लाइव कर रहा था और गेम प्ले में गाइस हमारा 50-60 के बीच में FPS दे रहा था, जिसके कारण गाइस मेरा गेम प्ले बहुत बेकार जा रहा था। सैड इमोजी। और एक भाई ने चैट में हमको बताया कि एक एमुलेटर है जो कि लो एंड PC में अच्छा चलता है, उसका FPS 150 से 200 देता है। उस एमुलेटर का नाम है E4BX, जिसका इस्तेमाल क्लासी FF भी करते हैं, ये सुनने में आया है। अच्छा, तो गाइस चलिए तो ट्राई करते हैं और देखते हैं गाइस 150 से 200 FPS देता है कि नहीं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं E4VX को इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे गाइस मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको इंस्टॉल करने में, देखते हैं गाइस कितना FPS देता है। अगर गाइस अच्छा FPS दे दिया तो भाई मुझे ग्राफिक कार्ड अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा का नहीं लेना पड़ेगा, 2GB में भी काम चल जाएगा। तो भाई मजे हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से हो जाए इंस्टॉल, जल्दी हो जा भाई, जल्दी हो जा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस यहाँ पे हमारा फाइनली E4VX एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। और गाइस इसका सेटिंग वगैरह मैंने MSI में जैसा है वैसा ही रखा है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है MSI का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसका डिटेल देख लीजिएगा। क्योंकि गाइस इस एमुलेटर का जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया उसमें क्वालिटी थोड़ा सा कम आ गया है कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो इसमें अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगा। चीटिंग करता है तू। हाँ गाइस मैं गेम का सेटिंग पूरा बता दूंगा, क्योंकि गाइस मैंने गेम का वीडियो बना लिया मोबाइल से। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस एमुलेटर में फ्री फायर को डाउनलोड कर लिया है और इसे ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्री फायर ओपन हो चुका है और यहाँ पे पहले डाउनलोड को रोक देते हैं एंड यहाँ पे स्किल वगैरह सेट कर देते हैं, ताकि देखेंगे गाइस कितना FPS देता है। अभी तो यहाँ लॉबी में दे रहा है 50-60 के बीच, इतना तो MSI5 में भी दे रहा था, इससे कुछ ज्यादा ही। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ग्राफिक बढ़ाएंगे तब चेक करेंगे गाइस कितना देता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक्साइटमेंट जितना था गाइस उससे हमें नहीं ज्यादा मिला। तो गाइस यहाँ पे पहले सेंसिटिविटी में आ जाते हैं, जनरल को मैंने 4 कर दिया है एंड गाइस अब जाएंगे डिस्प्ले में FPS को बढ़ाएंगे। गाइस हाई FPS को मैं हाई कर दिया एंड गाइस डिस्प्ले को स्टैंडर्ड में कर देते हैं एंड मैं चेक करने के लिए यहाँ पे लोन वुल्फ में चला गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खेलते खेलते देखा कि भाई 60 से ऊपर जा ही नहीं रहा FPS, कितना भी सेटिंग वेटिंग किए बहुत सारा, लेकिन गाइस 60+ नहीं हो रहा है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इससे अच्छा तो गाइस MSI5 पर जिसमें गाइस 60+ भी चला जाता है FPS एंड वही अच्छा है गाइस। एंड मैंने ये बात भी सीख लिया गाइस कि एमुलेटर कोई सा भी हो, आपका सिस्टम जितना देगा FPS वो सभी में देगा, आप जितना सेटिंग कर लो सब में वैसा ही देगा। थोड़ा 19-20 हो सकता है, 1-2 FPS का 10 का अंतर हो सकता है, 10 FPS का, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता गाइस। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। आई FPS कैसे बढ़ाऊं।